लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि फर्नेंस किस तरह से इम्पोर्टेंट रहता है हमारे किसी भी थर्मल सिस्टम के लिए, उसमें कौन कौन से टाइप्स के फर्नेंस आते हैं। टाइप्स के बाद हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंस रखते हैं कहीं ना कहीं कि फर्नेंस की डिज़ाइन किस तरह की होगी। अब इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी फर्नेस की। सो फर्नेस एफिशिएंसी इज आवर प्रेजेंट टॉपिक। हम जानते हैं कहीं ना कहीं जब हम थर्मल सिस्टम यूज़ करने वाले थे बॉयलर के, जैसे हम डिस्कस किया था हमने अल्टीमेटली, कि जितना ज़्यादा हम लोग हीट का लॉस को कम करेंगे सिस्टम में, उतना ही कम हमको फ्यूल बर्न करना रहेगा और उतनी ज़्यादा एफिशिएंटली सिस्टम वर्क करेगा। तो इंस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग न्यू प्लांट्स एवरीवेयर, अगर हम एफिशिएंसी भी इंक्रीज कर सकते हैं तो आवर रिक्वायरमेंट कैन बी इजीली फुलफिल्ड। तो फर्नेस एक ऐसा इक्विपमेंट था जिसके हम बात कर रहे थे अल्टीमेटली, जहाँ सबसे पहले हीट का जनरेशन होता है, जो भी फ्यूल है जो बर्न होता है सबसे पहले हीट जनरेट होती है, यहाँ से फिर अल्टीमेटली वो ट्रांसफर की जाती है। एक ऐसा इक्विपमेंट है फर्नेस, हमने डिस्कस भी किया था, जो नॉर्मली मेटल्स को मेल्ट करने में कास्टिंग के लिए या फिर मटेरियल्स को हीट करते हैं अल्टीमेटली, अगर कुछ शेप चेंज करना हो, है ना, रोलिंग करते हैं, फोर्जिंग करते हैं मेटल इंडस्ट्रीज में हम लोग करते हैं अल्टीमेटली, या किसी की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी चेंज करनी हो तो हम फर्नेस का उनमें अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है अल्टीमेटली। बट द फर्नेस की जो एफिशिएंसी है, इसको बेसिकली अगर जज किया जाए तो ये पहले मेजर करना होता है हमको अल्टीमेटली कि कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू नो जनरेट जो हीट है वो बेस्ड अपन पर यूनिट ऑफ मटेरियल। सो व्हाट इज फर्नेस की एफिशिएंसी? हाँ, इट इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ फ्यूल नीडेड पर यूनिट वेट ऑफ मटेरियल, कितना फ्यूल आपको रिक्वायर्ड है अल्टीमेटली। सो बेसिकली जो एफिशिएंसी होती है फर्नेस की, वो कुछ मल्टीपल पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है अल्टीमेटली। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कम्बशन और बर्निंग दैट डिडंट कम्प्लीट, है ना। तो पहले यहाँ पे बोलते हैं इनकम्प्लीट बर्निंग हम बोल सकते हैं अल्टीमेटली, तो कम्बशन विच इज इनकम्प्लीट। तो हमने वही कहा अल्टीमेटली कि एफिशिएंसी फर्नेस जज कैसे करेंगे अपन, तो हम करने वाले थे अल्टीमेटली अमाउंट ऑफ फ्यूल जितना रिक्वायर्ड है पर यूनिट वेट का उसको मेजर करके अल्टीमेटली हम करने वाले थे। अगर हमको 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो उसके लिए कितना फ्यूल हमको बर्न करना रहेगा अल्टीमेटली, तो वहाँ से उसकी फर्नेस की बात भी अल्टीमेटली आएगी। अगर हम हीट की बात करें तो फिर हीट के फॉर्म में अल्टीमेटली बात आएगी। तो पहला पार्ट जो उसकी कम्बशन की एफिशिएंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा वो है इनकम्प्लीट कम्बशन। अगर कितना पार्ट पोर्शन क्वान्टिटी पता है हमको अल्टीमेटली, वहाँ से हम उसकी एफिशिएंसी पता कर लेंगे। सेकेंड इज एयर लॉस्ट इन द फ्लू, कितनी एयर है जो फ्लू के साथ लॉस्ट हो गई है, तो अल्टीमेटली एयर के साथ क्या होगा, हमारी हीट भी लॉस्ट हो जाएगी। एयर लॉस्ट इन द फ्लू, सेकेंड पैरामीटर जो इंपॉर्टेंस रखता है अल्टीमेटली जो कंबशन जो हो रहा है अल्टीमेटली एफिशिएंसी उसकी फाइंड करने के लिए। थर्ड आता है लॉसेस एट बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ बर्निंग साइकिल, जो साइकिल है बर्न की उसमें स्टार्टिंग में और एंडिंग में कितना लॉसेस हो रहे हैं, दैट विल बी अ थर्ड पैरामीटर। सो लॉसेस एट बिगनिंग एंड एंड ऑफ द बर्निंग साइकिल, ओके क्लियर। थर्ड हमने डिस्कस कर लिया। चौथा आएगा लॉसेस फ्रॉम द डक्ट्स, लॉसेस फ्रॉम द डक्ट्स अगेन रेस्पॉन्सिबल है, जितने लॉस वहाँ हो जाएंगे अल्टीमेटली सिस्टम में आपकी हीट उतनी ही कम होगी अल्टीमेटली, उतना ही कम ट्रांसफर होगा अल्टीमेटली, तो आपके सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अगर हम फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश करें थर्मल एफिशिएंसी का किसी भी फर्नेस के लिए अल्टीमेटली, सो फर्नेस एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं अल्टीमेटली, तो इट इज रेशियो ऑफ हीट इन द स्टॉक, स्टॉक वो मटेरियल होता है बेस में जो रहता है अल्टीमेटली किसी भी फर्नेस के, ठीक है, रेशियो ऑफ हीट इन द स्टॉक डिवाइड बाय हीट इन द फ्यूल कंज्यूम्ड फॉर हीटिंग द स्टॉक, ठीक है। सो हीट इन द फ्यूल कंज्यूम्ड फॉर हीटिंग द स्टॉक, इन दोनों का रेशियो का यूज कर कर हम लोग किसी फर्नेस की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं।
अगर हमको क्वांटिटी के फॉर्म में अगर फर्दर इसको निकालना है तो द क्वांटिटी ऑफ हीट टू बी इम्पार्टेड क्यू, अगर हमको निकालना है किसी भी स्टॉक के लिए तो हम तो वैल्यू लिख सकते हैं अल्टीमेटली क्यू इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाइड बाई सी पी टी वन माइनस टी टू। नाउ क्यू क्या है हमारा अल्टीमेटली यहाँ पर, दिस इज क्वांटिटी ऑफ हीट ऑफ स्टॉक, किलो कैलोरी में अल्टीमेटली है कितनी हीट है स्टॉक की उसमें बात करेंगे। एम क्या है हमारा अल्टीमेटली स्मॉल एम, इट इज वेट ऑफ स्टॉक, वेट ऑफ स्टॉक इन केजी, इसकी वैल्यू किसमें अल्टीमेटली बेटा केजी में आएगी। सी पी क्या रहेगा हमारा, सी पी इज मीन स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टॉक, यूनिट रहेगी किलो कैलोरी पर के जी डॉट सेंटीग्रेड, ठीक है किस पर्टिकुलर टेम्परेचर बात करें। तो सी पी इज वॉट मीन स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टॉक इन किलो कैलोरी, और टी वन और टी टू की बात करें तो टी वन ये फाइनल टेम्परेचर स्टॉक का जो डिजायर रहेगा हमारे पास, और टी टू क्या है ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर स्टॉक का जो फर्नेस के एंटर होने के पहले इसकी जो टेम्परेचर रहेगा ये वो रहेगा। तो टी टू इज इनिशियल टेम्परेचर, टी वन इज फाइनल टेम्परेचर, एंड यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन एक्चुअली एक्चुअली फाइंड आउट द हीट जो इम्पार्ट करेगा अल्टीमेटली हमारा स्टॉक के थ्रू। इन द नेक्स्ट सेक्शन हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिसमें हम फर्नेस की एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करेंगे और डिस्कस करेंगे फर्नेस की एफिशिएंसी क्या क्या पैरामीटर्स हम यूज करके हम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।